हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साउथ के मास स्टार रवि तेजा की एक और मूवी के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, रवि तेजा सर की क्रेज जैसे बड़ी सुपरहिट मूवी देने के बाद रवि तेजा सर आपको फिर से नई मूवी में नजर आने वाले हैं। उनकी अपकमिंग मूवी खिलाड़ी तो फाइनल दोस्तों, अब ये मूवी हिंदी डब में रिलीज होने के लिए तैयार हो चुकी है, जिसका आज ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। खिलाड़ी मूवी आपको कौन से टीवी चैनल और कौन से यूट्यूब चैनल पर हिंदी डब में देखने को मिलने वाला है और ये मूवी कब तक हिंदी डब में रिलीज हो रही है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करके आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा। खिलाड़ी तेलुगु लैंग्वेज की जबरदस्त अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को पूरे 40 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस फिल्म के अंदर हम सभी को मास महाराजा रवि तेजा के डबल किरदार देखने को मिलेंगे। तो जहां पर वो एक तरफ हम सभी को काफी एक्शन और खुखार के तरीके से नजर आ रहे हैं, वहीं तरफ हम सभी को काफी सैंपल लुक में भी देखने को मिलने वाला है। इसीलिए फिल्म का बजट 40 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। फिल्म को डायरेक्ट करने जा रहे हैं साउथ के फेमस डायरेक्टर रमेश वर्मा, जिससे पहले श्रीनिवास वेलमकोंडा की फिल्म रक्सोडू को भी डायरेक्ट किया था। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि रमेश वर्मा के डायरेक्शन में बन रही फिल्म खिलाड़ी कितनी जबरदस्त और धमाकेदार मूवी हो सकती है। तो आपको बता दें कि इस मूवी के स्टार कास्ट में हम सभी को मास महाराजा रवि तेजा के साथ हीरोइन के किरदार में मीनाक्षी चौधरी और डिंपल हयाती नजर आने वाली है। साथ ही अर्जुन सरजा और राव रमेश जैसे कई सारे बड़े कलाकार इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, इस मूवी के ट्रेलर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मास महाराजा रवि तेजा के किरदार में नजर आएंगे, जिसका उनका एक कैरेक्टर खतरनाक सा दिखाया गया है और दूसरा काफी सैंपल बाकी फिल्म की कहानी कैसी रहती है आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। तो बात करें इस मूवी की हिंदी डब के बारे में, तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस मूवी का जो प्रोडक्शन का काम है वो पेन मूवीज कर रही है, फिर उसी कंपनी ने इस मूवी की हिंदी डब को भी बाय कर लिया है। तो जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि हिंदी डबिंग इस मूवी के रिलीज होने के बाद स्टार्ट करवा दी जाएगी। और जैसे ये मूवी तेलुगु लैंग्वेज रिलीज होती है, तो ठीक उसके बाद ये मूवी आपको 1 से 1.5 महीनों के अंदर अंदर टीवी और यूट्यूब पर दोनों ही जगह देखने को मिलने वाला है। बात करें इस मूवी की तेलुगु रिलीज डेट के बारे में, ये मूवी आपको 11 फरवरी को देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों, फिर उसके बाद इस मूवी को हिंदी डब में जी शर्मा के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाएगा। बात करें इसके YouTube प्रीमियर की, तो ये मूवी आपको पेन मूवीज के YouTube चैनल पर देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, जैसे इस मूवी से लेकर कोई और अपडेट्स आती है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो चैनल सब्सक्राइब के साथ बड़ों को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।